हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। न्यूज़ इन हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं दूध की बूंदी के लड्डू। जी हाँ दोस्तों, सुनते ही मुंह में पानी आ गया। दोस्तों मैं बताना चाहूँगी कि इसमें हम कितनी कितनी सामग्री लेते हैं। सबसे पहले आप इसमें 1 किलो बेसन और वो भी 2 किलो दूध के साथ, ये मिलिए हमारे हलवाई जी से। हलवाई जी आप हमें बताएंगे ये कितना मिलाया आपने? 1 किलो बेसन है, 2 किलो दूध है इसमें। दोस्तों 1 किलो बेसन और 2 किलो दूध, इसको हम इतने इस तरीके से मिला लेंगे ताकि इसमें एक भी गांठ ना पड़ी हो। दोस्तों अब इसको हम गरम घी में, हम इसमें तेल का यूज नहीं करते, गरम घी में इसको इस तरीके से निकालेंगे ताकि बूंदी अच्छे से निकल जाए। ये देखिए दोस्तों कि किस तरीके से बूंदी निकाली जा रही है। इसी तरीके से चलनी में लेना है और बूंदी निकालना है गरम घी में। साथ ही दोस्तों हमारे पास में तैयार हो रही है 1 तार की चाशनी। आप ध्यान रहे, चाशनी को हम इस तरीके से तार से देखते हैं कि ये कितने तार की चाशनी है, बिल्कुल इसी तरीके से। ये बूंदी इस तरीके से तैयार होगी, बाद में ये हम आपको थोड़ा रुक के बताते हैं। ये सिक रही है हमारी बूंदी, बिल्कुल इसी तरीके से हमें इसकी सिकाई करनी है, और इसकी सिकाई जब तक करनी है जब तक ये गुलाबी रंग की ना हो जाए। ये देखिए दोस्तों हमारी बूंदी की सिकाई हो गई है इसी रंग से, और ये गई चाशनी में। चाशनी से हम इसमें कुछ सेकंड्स के लिए डुबो कर रखेंगे और फिर हम इसे मिला लेंगे। दोस्तों हमें 1 किलो बेसन में ही 1 किलो मावा चाहिए होता है। दूध की बूंदी के लड्डू बिना मावे के तैयार नहीं होते हैं। तो ये देखिए पास में हो रहा है हमारे मावे की सिकाई। इसकी सिकाई हम जब तक कर लेंगे जब तक इसका दूध पूरा इसमें खत्म ना हो जाए। ये इस तरीके से तैयार होगा। ये हमारी बूंदी शक्कर में होके तैयार है। इसके बाद दोस्तों हम बूंदी में थोड़ा सा मावा मिलाएंगे। हाँ, इसका मिश्रण ठंडा होने के बाद में ही, ये देखिए दोस्तों इन भैया जी ने अच्छे से मिलाया है, ये देखिए, और इसे जब तक अच्छे से मेश करना है जब तक ये मावा दिखाई ना दे। हाँ, ये काम थोड़ा सा बूंदी के ठंडा होने के बाद ही होगा, ये आप ध्यान रखें। और फिर हम इसको हल्के हल्के हाथों से छोटे छोटे बूंदी के लड्डू तैयार कर सकते हैं। दोस्तों आप भी घर बैठे ही इतनी ही स्वादिष्ट मिठाई बना सकते हैं और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को खिला सकते हैं। क्यों लगी ना डिश अच्छी? पसंद आए तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।